वंदे मातरम एक छोटी सी चीज़ आपको शेयर करना था और लॉकडाउन लगने के बिल्कुल एक दिन पहले मैं सब्जी लेने गया था तो आपको खुद के अपने काम करना है जो है तो मैं सब्जी लेने गया था तो वहां पर एक सब्जी वाला है आते जाते दुआ सलाम होती रहती है मैं बहुत सम्मान करता हूँ इन लोगों का जो आ, मतलब जिनकी रोज रोजमर्रे की जिंदगी बहुत कठिन है ना तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा गुप्ता जी हैं मैं उसका उस दिन जवाब नहीं था लेकिन गुप्ता जी आपके लिए वीडियो समझ लीजिए जो सब्जी वाले भाई ने मुझसे पूछा था उन्होंने एक बात पूछा था कि मास्टर जी बोलते हैं मेरे को बोले मास्टर जी आप एक बात बताइए आप हर आपकी आवाज सुनते हैं लोग उसने एक सवाल किया कि क्या कोरोना गरीब आदमी के लिए बस है क्या साहब सिर्फ हम लोगों को उठा के फेंक दिया जाएगा क्या मेरे पास उस दिन उसका जवाब नहीं था मैंने बहुत सोचा बहुत भारी मन से ये वीडियो कर रहा हूं जनरली मैं इस माहौल में चाहता नहीं थी कि और चीजें विरोधी और ये और वो क्योंकि देश के हालात हम सबको पता है लेकिन मुझे ये बोलना पड़ेगा फिर मैंने और सोचा और जब रिसर्च की तो ये बात सच समझ में आई क्योंकि उस दिन कोई जवाब नहीं था लेकिन आज ये जवाब है जरा इस पर सोचिएगा कि आम आदमी पर चालान लग रहा है तो ये रैलियों पर और ये जो भीड़ इकट्ठी होती है चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हो चाहे किसी भी पार्टी के नाम पे हो चाहे किसी भी रैली के नाम पे हो इन भीड़ों पर चालान क्यों नहीं कट रहा है जब जिम्मेदार लोग गलतियां करते हैं और जब अमीर आदमी गलती करता है और जब ताकतवर आदमी गलती करता है तो फिर किससे मालूम है सिर्फ एक आशा लगाई जाती है और वो लगाई जाती है संविधान से कानून से तो कानून का डंडा फिर क्यों नहीं चलता है नियम गरीब के लिए क्यों अलग है अमीर के लिए क्यों अलग है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर हमारे संविधान ने समानाधिकार दिया है तो ये भेदभाव क्यों समझ में नहीं आता है दूसरी चीज जब हम हम किस पर भरोसा रखते हैं आप किसी एक पर तो रखते होंगे मैं भी किसी पर रखता हूं लेकिन वो सुप्रीम पावर जो है वो सुप्रीम पावर आपके कारण किसी और की जान जोखिम में डालने का मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने कहीं से भी अधिकार दिया है तो सिर्फ यह सवाल है मैं रख रहा हूं और मुझे यह लगता है कि चाहे वो रैलियां हो चाहे किसी भी पार्टी की रैली हो मैं इस बात का विरोध करता हूं कि नहीं आप किसी आम आदमी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते तो चाहे यह बात आप, आप रैलियों की कर ले चाहे अब यह बात लॉकडाउन बिल्कुल बनी बात है या तो साहब सबके लिए बराबर हो या फिर सबके लिए खुला हो यह कैसी बात है कि अगर किसी के पास ताकत है तो उसके लिए कुछ नहीं अब जो वो चाहे वो हम हम बात यहां मुझे पता है मैं जो ये वीडियो कर रहा हूं यह बहुत खतरनाक है क्यों क्योंकि आजकल तो ये माहौल क्या हो गया है मैं किसी धर्म के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं सीधे और जो बहुत बड़े ठेकेदार बैठे हैं चाहे वो किसी भी धर्म के चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के जो ठेकेदार अगर बैठे हैं ये बात बस ध्यान रखिएगा साहब कि धर्म को पालन करने वाले ही लोग अगर मर जाएंगे तो धर्म चलेगा कैसे जो लोग हमारे हाथ पैर पड़ते हैं हमारे हाथ चूमते हैं चाहे नमाजों की बात करें चाहे आरतियों की बात करें अगर लोग ही नहीं बचेंगे अगर इस महामारी में लोग ही मर गए तो क्या काम का रह जाएगा फिर हमारा काम है कि धर्म से रास्ता दिखाना धर्म का मतलब क्या होता है या किसी भी मजहब का रास्ता क्या है रास्ता दिखाता है वो तो रास्ता दिखाएं मैं हमेशा से कहते आया हूं और फिर मुझे वो बात याद आई और फिर से कहता हूं कि ना गिरजाघर जानता है ना गुरुद्वारा जानता है ना मस्जिद जानता है ना शिवाला जानता है जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है लॉकडाउन की जरूरत है मैं भी बैठा हूं ऐसा नहीं है साहब सब बैठे हुए हैं जो भी इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं कानून का सम्मान करते हैं वो लॉकडाउन में बंद है बैठे हुए हैं लेकिन क्या आप उनका अपमान नहीं करते जो वहां पर मैंने एक फोटो देखी गर्भवती डॉक्टर एक गर्भवती महिला पुलिस की एक महिला वो या वो लोग जो पुलिस के लोग हैं सात महीने गर्व से है वो महिला और वो अपनी ड्यूटी कर रही है क्या यह अपमान नहीं उन लोगों का जो दिन रात आम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं हम सबको पता है हालात क्या है देश के लेकिन उसके बाद भी और हां मैं ये बिल्कुल क्लियर कट और हक से और दम से कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अगर जो कानून बने हैं चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का हो चाहे मास्क का पालन का हो जो भी नहीं करता मेरी नजरों में वो व्यक्ति गद्दार कहलाएगा मुझे पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं और आपको भी पता है लेकिन बात यही है ना कि यहां कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है मैं उठा रहा हूं साहब अब मुझे मालूम है इसके पीछे विरोध भी हो सकता है इसके पीछे बहुत सारी मुझे भी धमकियां दी जाती हैं ऐसा है दोस्त वतन से बड़ा ना मेरे लिए कुछ था ना है और ना कभी रहेगा मैंने आज आपके लिए उस आम आदमी वो जो सब्जी वाला था ना उसका उस दिन जवाब नहीं था लेकिन मैं आज जवाब दे रहा हूं मैं कम से कम उसकी आवाज रख रहा हूं मुझे लगता है जिन लोगों तक यह पहुंचना चाहिए वह बहुत जरूरी है अभी भी वक्त है सुधर जाओ वरना अगर इस देश में लोग ही नहीं बचेंगे महामारी में ऐसे लोग मर रहे हैं यार मासूम आदमी दो ही चीजें मेरी मांग थी आज है और आगे भी रखूंगा नियम बने तो अमीर गरीब नेता अभिनेता सबके लिए बराबर बने वरना सबके लिए फिर खुला छूट होना चाहिए अगर हम कहते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है कानून सबके लिए बराबर है ये साबित करना पड़ेगा और जिम्मेदार लोगों की यह जिम्मेदारी है पावर में जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है जो विपक्ष में है उनकी भी जिम्मेदारी है सबकी एक ही जिम्मेदारी कि हम इस महामारी से मिलकर लड़ें आज कम से कम छोड़ दीजिए देश को आपको बहुत मौका मिलेगा राजनीति का भी रैलियों का भी चुनावों का भी और धर्म के हम अपने अपने जितने मजहब हैं चाहे ईद हो चाहे दिवाली हो सबको मनाने का हमें वक्त मिलेगा सबसे पहली जरूरत है आज नियमों का पालन करके मरे ना और अपने कारण किसी को मरने ना दें जय हिंद वंदे मातरम में इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय